अस्सलामुअलैकुम। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, और आप सबका स्वागत है इस व्लॉग में। तो आज का व्लॉग बहुत ही खास, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, मतलब चांद रात होने वाली है आज की। तो मैं बताऊंगा आपको कि हमारा जो ये गली है, मतलब जो बिजनेस वाली लाइन है पूरी, तो वो कैसी रहती, कितनी सारी दुकानें रहती, लोग कैसी शॉपिंग करते, कैसी भीड़ रहती वहाँ। और अमरावती वालों का ताली समझ भी नहीं आता, बहुत खतरनाक गाड़ियाँ चलाते हैं, हेवी ड्राइवर भी मिलते, छपरे ड्राइवर भी मिलते। तो चलो देखते आज क्या क्या होने वाला अपने साथ, आज होने वाला अपने साथ अंदर भाई, और थोड़ी सी अपने को इफ्तारी के लिए सामान भी लेना है, और फिर चांद रात मगरिब के बाद में, ईशा के बाद में तुम्हारे को स्ट्रीट लाइन के भी पूरा वो बताऊंगा मैं नज़ारा, कि कैसी कैसी शॉपिंग रहती, कैसी कैसी दुकानें रहती। तो चलते अपन और देखते आगे क्या होने वाला है, और साथ में अपने अंदर दबा अंदर भाई आएगा, तुम आएगा छोटी, तू भी व्लॉग में आ जाएगा मेरे यूट्यूब पर, वीडियो देखता हूँ तू मेरी। हाँ देखो बच्चा वीडियो देखता हमारा पड़ोसी। चलो फिर अभी चलते लेकर आते हैं। अपन जा रहे हैं अपने धनों से, ब्लैक घोड़ा उस्मान का, काला घोड़ा। कॉलोनी का नज़ारा देख लो एक बार, बहुत हार्ड हो गया कॉलोनी का नज़ारा जरा। सो गाइस, हमारी जुनैद भाई की शॉप जहाँ से अपन सब्जी लेते, और ये आ गया धर्म काटा। अरे अपनी जुनैद भाई की दुकान शेगा कचोरी देख सकते हैं आप, सन चल रहा, अभी सन गिराई की है। इधर फुटपाथ पर स्ट्रीट लाइन पे ऐसी दुकानें लगी है, इधर रात में घुमाऊंगा मैं आपको इफ्तारी के बाद में। और यहाँ से देख सकते हैं आप रश, ऐसा लग रहा है इज्तिमा की भीड़ है। लग रहा है इज्तिमा की भीड़ है, इज्तिमा में कैसी दिखती पब्लिक, मुंगे की जैसी वैसी दिख रहा है। पीछे भी ट्रैफिक देख सकते हैं आप, असर और मगरिब का टाइम, सकरात का टाइम रहता, सकरात का बहुत खतरनाक ट्रैफिक रहती। इधर भी देखो, इधर भी देखो, आज अंदर भैया करके पॉसिबल हो रहा है ब्लॉग बनाना। मिल कॉलोनी की भीड़ देखो, पुलिस वाले भी सन खड़े हुए रोड पे लेकर, बहुत मारते हो, छपरी चाली करे तो इधर। अरे जमीन कॉलोनी के अंदर का नजारा देखो, आ गई फेमस मामू की फालूदे की शॉप, वेराइटी फालूदा, वेराइटी बहुत फेमस है भाई। देखो इधर बन रहा और इधर बेच रहे हो, अभी अपन भी लेने वाले वहाँ से। चलो लो अंदर भाई, जल्दी ताड़ करे तीन ले ले तीन। चल चल रहा है ज़्यादा ठंडा पिंडा खाओ मत, अभी मेरी तबीयत खराब थी दो दिन के बाद में, अब उठा बुखार पे से। पीछे कह रहे भाई ट्रक का टरक ही दिख रहा, ट्रक है क्या? अरे नहीं, वो बिल्डिंग है ना, कैसे बिल्डिंग बन रहा है आजकल, क्या मन आप। देखो रेहान भाई मिल गए अपने आखिरी दिन यहाँ पर, मलिक भाई देख लो इनको भी। भालू तो लेन लगा के, लेकिन हमने थैली जोरा कुछ भी नहीं लाई इसके साथ, चोट पे लगा थे हमारे अंदर भाई, हमारे को क्या करना, उनका भी ताल समझ में नहीं आ रहा। चांदनी चौक जाना है, डिवाइडर से चिपका के ले लो, पलटा लो वहाँ से, निकल गए हम चांदनी चौक के लिए। और अभी बता दिया आपको चांदनी चौक और पठान चौक, हाँ शादी में दे रहे थे वो भाई भी मिल गए हमारे। तो ऐसे है भाई, चाहने वाले मिलते रहते, अल्लाह करम से अच्छे अच्छे चाहने वाले मिल रहे अपने को। तो चलो अभी बता दे आपको पठान चौक का नज़ारा और चांदनी चौक का नज़ारा। और पठान चौक पे और चांदनी चौक पे तो मैं आखिरी दिन जा रहा हूँ तीसवें रोजे के, इससे पहले मैं भी नहीं गया। राइट जी, सूर्य पेट्रोल पंप का नज़ारा कुछ ऐसा है, काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पर भी। बढ़िया देखते वीडियो, देखो भाई भाई भी देखते बोलते हमारी वीडियो। पुल को देखो, ये उड़ान पुल कब से इंतजार कर रहे हैं अमरावती वाले, बनती क्या बनती क्या, बन ही नहीं रहे उड़ान पुल। अब कयामत की है, एक दो दिन पहले बन गया तो बन गया, साइकिल चला लेंगे खुश हो जाएंगे, उम्मीद मत रखो, कयामत की एक दो दिन ही पहले बनता हो वैसा भी। ठंडा ठंडा बर्फ जा रहा है भाई, पानी की बूंदे आने चालू हो गई। गाइस एकड़े ग्राउंड पे लग रहा मेला, तो ईद के बाद तुम आ सकते यहाँ पर। हम पहुंच गए चांदनी चौक, नजारा देखे नहीं जा रहा भाई, देखो दुकानें देखो, शाम में और तुमको तफसील से बता दूंगा मैं। हाँ विनोद चल रहा है, विनोद चल, हाँ क्या शुक्रिया भाई। चलो भाई जो चल रहे हमारे साथ में पेट्रोल पंप पे, देखिए वालेकुम अस्सलाम भैया, वालेकुम अस्सलाम, पेट्रोल पंप के पास से हमारे को देख के पलटे, अस्सलाम वालेकुम, ताली समझ में नहीं आ रहा, पानी का भी ताल समझ में नहीं आ रहा, जरा कमान नहीं दे रहा दुकाना वालों को, वो भी और खरीदी रही जा रही और की। बहुत हार्ड दिख रहा भाई, अपने से भी ज्यादा हार्ड दिख रहा, गहरे गहरे दे रखते, नहीं ताली समझ में नहीं आ रहा भाई, माशाल्लाह। क्या बोलते हैं, सो गाइस अब जा रहे हैं पठान चौक अपन,
भाई अल्लाह की रहमत भी बरकत भी, रहमत भी शुरू हो गई। देखो पानी आ रहा, अल्लाह नाराज है फिर भी रहमत बरसा रहा अल्लाह। गाइस पानी चालू, ओवरटेक मत करो, पुलिस वाले बोल रहे ओवरटेक मत करो। थैंक यू सर जी। रश में से निकल गए अभी पठान चौक के, हमारी गाड़ी बंद हो गई थी, अंदर बहने लाए थे खाने की, लेकिन कर लिया उन्होंने जल्दी, चलो इधर चलो। तो अभी चलते ताजनगर साइड से निकल रहे अपन, और उधर से फिर काटा शरीफ घर को। हाँ जी भैया व्लॉगिंग कर रहे लो, तुम भी आ जाओ। पठान चौक से ताजनगर वाला रोड, रौनक की बरकतें रहती रमजान में, लेकिन रमजान के बाद सब खत्म हो जाता। मैं अभी जमील कॉलोनी साइड से, बीच में से थोड़ा ट्रैफिक था तो हमने गली शॉर्टकट मार लिए, और रात में अपन इधर आएंगे नहीं। जमील कॉलोनी लेडीज मार्केट है, और वहाँ लेडीज का काम है, अपना क्या काम है, फिर भी अपनी गाँव के बच्चे इतने आ रहे हैं वहाँ छपरी के, क्या बोलूँ तुम्हारे को, नींदा ताल लगा हुआ बराबर, वो छोकरे भी उनको बुला रहे, अनपोटे बराबर आ रहे, नहीं रहे गड़बड़ कर रहे वहाँ पर, तो ऐसा मत करो। और देखो अभी जमील कॉलोनी मार्केट आ गया, अभी तो लेडीज दिखी रही थी यहाँ। हजरत भाई चे ना लेडीज को कैमरे में लेना अच्छा नहीं लगता अपने को, ये बड़ी अच्छी बात कही है। आओ फजल भाई, अस्सलाम वालेकुम। मेरा भाई जुनेद, मेरे पीछे देख सकते गाइस आप मोहम्मदिया मस्जिद और जमील कॉलोनी का सीन, काफी भारी मात्रा में मतलब यहाँ पे लोग आते शॉपिंग करने के लिए, सामान वगैरह लेने के लिए इफ्तारी का। चने वाले नाना कहाँ है? अरे अरे बहुत जल्दी बेच डाल रहे हो तो। गाइस हमारे दानिश भाई और आमिर भाई बहुत खतरनाक सपोर्ट है इनका अपने को, जीरो से हीरो बनाने में। सारी लेकर हम आ गए, रिटर्न थोड़ी कम लाया क्योंकि घर पे बहुत है, तो चलो रात में अपने उधर जाने का बहुत सारा चीजें बताने की तुम्हारे को, तो मिलते आगे। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो अभी इफ्तारी भी हो गई और मगरिब की नमाज से भी आ गए हम जस्ट, तो अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे अपन स्ट्रीट लाइन में और तुमको बताएंगे कि अमरावती का मंजर कैसा रहता, और अमरावती में शॉपिंग खरीदारी चांद रात को लोग कैसी करते, कितनी भीड़ रहती, वो सब बताएंगे। चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हे गाइस, तो अभी मगरिब भी हो गई, ईशा भी हो गई, खाना वाना भी हो गया अपना, और अभी निकल रहे अपन बाहर, मौसम खराब है। अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा पानी आया, देख सकते आप किस तरह से हवा चल रही मेरे पीछे, तो अल्लाह आज एक मेहरबानी कर दो, जो फुटपाथ पे दुकानें लगाते बेचारे उनका लॉस हो जाता क्योंकि ऊपर छत नहीं रहती, तो प्लीज़ थोड़ा सा पानी रुका दो 2-3 घंटे अभी, और उनको कमाने दो, उनकी भी ईद हो जाएंगे अच्छे से, वो भी खुश रहेंगे। देखो बिजलियाँ हो रही, मुझे बहुत डर लगता है बिजलियों से, तो चलो देखते, फिर भी व्लॉग तो कंप्लीट करना है, स्ट्रीट मार्केट बताना है तुम्हारे को कैसा रहता, तो चलो निकलते और चलते और देखते बाहर का क्या है। अल्लाह रहम फरमा, मेरे मालिक रहम फरमा। अरे कुत्ते उड़ा दूंगा तेरी, बात पे चिल्लाता तो भोगो, बहुत बुरा चिल्लाता। अरे यार थोड़ा सा ताल बहका देंगे नहीं तो पानी मजा आता। जजाक लो गाइस। देखो पानी आ गया, पानी ने कचरा करा दिया अपने व्लॉग बनाने का, अभी नहीं तो व्लॉग बनाना चालू था तो हम सज्जे के नीचे जैसा अड़ गए यहाँ। हाँ नहीं तो ताल बहका देता था, पहली तबीयत खराब है। यहाँ हमारे थोड़े बहुत चाने वाले मिल गए थे, दोस्त छोटे बड़े बुजुर्ग लेडीज फेडीज सब देखते हैं हमारी वीडियो, क्योंकि अपने ज्यादा अड़ाऊ भाषा में रहती नहीं, गालक उतार रहती नहीं, उसको बुरा बोलती नहीं अपन, नहीं रे बाबा। हाँ बोला, अभी नहीं भी जाऊंगा। हाँ बोला नहीं। अबे साले ये पानी का जिद, देखो ना छोटे मोटे दुकाना का बहुत लॉस हो जाता है बेचारे, स्टॉक में बल्कि क्वांटिटी में माल ला के रखते हो। अभी पानी अल्लाह पाक ने थोड़ा सा आगे पीछे कर देना था, यही दुआ है अपनी, आज रात भर टाइम अपने पास नहीं, नहीं वो अपन शिकायत भी नहीं कर सकते ना अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला बेहतर जानता ना अपने। पानी रुक गया, और हमारे साथ है अभी आयान भाई। आयान भाई हाय बोलो पब्लिक को, सलाम करो ना, और रमजान चालू है ना, तुम भी बात में आ रहे हो मेरे। तो अभी पानी थोड़ा सा कम हो गया और अब निकल बताना शुरू करते हैं आपको रात में कैसा सीन है करके, और चांद रात का क्या सीन है हमारे यहाँ पर। तो देखो जजीरा होटल, यहाँ पे खाने वालों की भीड़, और पीछे कुछ इस तरह का नज़ारा है देखो जरा, तुम भी होंगे यहाँ पर कहीं तो पता नहीं चल रहा वीडियो में कौन है तुम करके, अभी ऐसा सीने चलो आगे चलते। चलो आयान भाई, तो अभी अपने पास में अंजर भाई के जगह पर आयान भाई है, हिचकिया लग रहे बहुत मेरे को, कौन याद कर रहा क्या मालूम, ताल समझ भी नहीं आ रहा कुछ ना, मेरे अम्मी बोले नजर लगती, बोले याद करते लोग, बोले करके हिचकिया लगते, बोले खाने से लगते हिचकिया
चले पे नया मार्केट टीबू सुल्तान मार्केट। तब इस तारीख टाइम बताया एफ आई चंद में काफ़ी भीड़ है खतरनाक। हमारे जुनेद भाई की दुकान शेखा कोचरी बंद हो गई, अभी चालू ही है शायद। और ये स्ट्रीट लाइन का नज़ारा देखो एक बार, पहले तुमको बता देता और मैं बाद में शॉपिंग करूँगा। ये एरिया है चांदनी चौक से काटा, बीच में जमील कॉलोनी वो वाला एरिया भैया, बाहर गांव वालों के लिए। गाड़े वालों से अपील करता हूँ भाई, थोड़ा सुलझाओ चला। यहाँ पे देखो भाई मजमा, अरे मेरा बाप, मोहम्मद अली रोड कैसा काम हो गया यान भाई। आओ। गाइस असूर्य पेट्रोल पंप का नजारा देख लो जरा। और पुलिस वाले भी तराश देते आज दुकानदारों को, वो बोलते हैं दुकानदार साहेब आज की रात चालू रखन दो, कल से साले को दुकान ही नहीं लगाते, क्योंकि एक ही रात में साल भर का कमाने का रहता। और देता भी अल्लाह उत्तम है वहां साहब। सही पकड़े हैं। तो गाइस अभी पहुंच गए चांदनी चौक, भाई ने पीछे पहचान लिए शूज वाले भाई ने। बॉडी गार्ड की जरूरत नहीं अपनी को, अभी टाइम आने का है बॉडी गार्ड का, आ जाएगा इंशाल्लाह। चांदनी चौक का माहौल देखो, चांदनी चौक देख सकते हैं आप, शॉप में रश, और इधर भी देख सकते हैं यहाँ पे रश, और इधर भी देख सकते हैं चारों तरफ रश ही रश है। अमरावती का माहौल ताली समझ में नहीं आ रहा, अमरावती ताली समझ में नहीं आ रहा अमरावती वालों का माहौल। चांदनी चौक का बहुत ही हार्ड माहौल उठा रहे हो, हम चिल्लाने वाला कीड़ा। अभी जा रहे हैं हम यहाँ से घर वापिस, दुकान बाहर ला लिए लोगों ने, लोगों का ताली समझ में नहीं आ रहा अभी। शॉपिंग कर लिए, दस्ती ले लिए, एक पठान बन गए। और अभी जा रहे हैं हम नगीना मस्जिद मुजफ्फरपुरा, मुफ्ती साहब की दुआ है। और आज बड़ी रात है, रिजल्ट वाली रात है, मतलब आज जितनी मेहनत करे अपन 30 दिन का आज मिलता। रिजल्ट वाली नहीं, पेमेंट वाली रात है जो बच्चे एग्जाम देते हो उनको रिजल्ट ही मिलता ना। तो नगीना मस्जिद राइट लो ना, तो अब नहीं मालूम तो क्या किधर भी चल जाते हैं, वहाँ से भी आता है किस वैसा। तो देखते हैं मुफ्ती साहब की दुआ कैसी होती है, तो हुआ तो शूट कर लेंगे। चपला भी दिख रही नगीना मस्जिद, नगीना मगे दुआ से वापस निकल गए अभी। उमर टाइम हो गया एक रात का, मेरी जान। हम पहुंच गए चांदनी चौक, और चांदनी चौक पे देखो कैसी भीड़ लगी है दुकान पर। रात के 2 बज रहे और सब चालू है गाइस, अभी देख लो आज तो पूरी रात चालू रहता है, और फर्स्ट टाइम अपन भी एक्सपीरियंस ले रहे इसका। निंदड़ा नहीं है गाइस आज, हाँ आज रात में निंदड़ा नहीं है, नहीं नींदा वींदा कुछ भी नहीं है। पुलिस वाले भी कुछ नहीं बोलते बेचारे, पुलिस वालों को सबको बोलते, और साहेब आज की रात चालू रखन दो, कल से दुकान ही नहीं लगाऊंगा। दस्तरखान रात में, आज रात भर चालू रहेगा दस्तरखान। हर दुकान पे पब्लिक दिएगी माशाल्लाह, अल्लाह सबका ख्याल रखता भाई, अल्लाह की रात से कभी ना उम्मीद ना होना। एक ही दिन में साल भर का दे देता अल्लाह, ले खा घी से नहीं भाई, सही बात है ना।